कराची किंग्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को जीत के लिए 197 रन का हदफ दिया है। वाज़े रहे कि कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और मुल्तान ने पहले खेलते हुए 196 रन स्कोर किए। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान 64 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 110 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शान मसूद ने 51 और रेली रोसो ने 29 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रा ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। कराची की जानिब से मोहम्मद उमर और शुएब मलक ने 1-1 विकेट ली। टॉस जीतने के बाद कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने कहा कि हमारे लिए हर मैच अहम है, मुल्तान की बैटिंग अच्छी है, कोशिश करेंगे इन्हें कम से कम स्कोर करने दें। इमाद वसीम ने कहा कि हमने टीम में 4 तब्दीलियां की हैं। दोस्तों, क्या कराची किंग्स 197 का हदफ पूरा कर पाएंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल SM Fights को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मजीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।